हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड, आपको पता है दुनिया का सबसे ज्यादा पौष्टिक खाना होता है दाल चावल, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दाल चावल खाने से भागते हैं, और मुझे भी पर्सनली दाल चावल खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आप दाल चावल को कैसे बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से नाश्ते में, और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक नाश्ता है। इससे पहले भी मैंने दाल चावल का एक नाश्ता शेयर किया है मेरे चैनल पर, जिसे आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, लेकिन कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपने उसे डीप फ्राई कर दिया है। तो डीप फ्राई हेल्दी नहीं होता है, तो आप कुछ ऐसा दाल चावल का नाश्ता शेयर कीजिए जो डीप फ्राई ना करना पड़े। तो उन सभी के लिए मैं लेके आई हूँ फिर से दाल चावल का नाश्ता, लेकिन इस बार हम बिल्कुल अलग बनाएंगे। पहले वाले नाश्ते से बिल्कुल जुदा होगा और बहुत ही ज्यादा खाने में टेस्टी होगा और डीप फ्राई नहीं होगा। तो दाल में पाया जाता है बहुत सारा प्रोटीन और चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपके सेहत के लिए और आपके शरीर के विकास के लिए। तो दोनों से आज हम बनाने वाले हैं परफेक्ट नाश्ता। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है चने दाल, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था, और ये मेरी 100 ग्राम चने दाल है, और ये 70 ग्राम चावल है जिसको मैंने भिगो कर लिया है। दोनों को आपको अच्छे से 2 घंटे तक भिगो कर फिर अच्छे से इसका पानी निकाल कर इस तरह से रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड, जिस तरह से हमारा ये दाल 100 ग्राम है, उससे हमारा ये चावल 70 ग्राम है, यानी दाल की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। एक भाग दाल का आपको ज्यादा लेना है चावल से, यही आपका रेशो रहेगा। इसे आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए, तभी आपका नाश्ता बढ़िया बनेगा। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं बनाते हैं नाश्ता। तो सबसे पहले ले लेंगे एक बड़ा वाला मिक्सी जार, और इसमें हम डालेंगे अपना ये चना दाल, और इस तरह से हमने इसमें अपना चना दाल डाल दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे अपना ये चावल। अगर आपके पास बड़ा वाला मिक्सी जार ना हो तो आप छोटे वाले में भी पीस सकते हैं, लेकिन 2 बार में पीसिएगा। और अब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च, जिसकी हम इस तरह से ये अलग कर लेंगे, और ताकि अच्छे से तीखा हो। तो इस तरह से हम इसमें डाल रहे हैं 5 ग्रीन चिली, और ये अदरक का टुकड़ा जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसका छिकला नहीं रिमूव किया है। आप चाहे तो छिकला रिमूव कर सकते हैं, लेकिन छिकले में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। आप इसको अच्छे से वॉश करके इस तरह से डाल देंगे, और अब इसमें हम 2 चीजें डालेंगे स्पेशल, जो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाएंगी। तो फ्रेंड, ये है हमारा 1 चम्मच जीरा, और ये है हमारी काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, और इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इसमें डालूंगी 1 चम्मच तक नमक, क्योंकि हमारा ज़्यादा है इस तरह से दाल और चावल की मात्रा। और अब बिना पानी डाले हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट को हमें फाइन बनाना है, और मैं इसको बना के लेके आती हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि चावल और दाल दोनों ही अच्छी तरीके से भीग गए हैं, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं इसको पीस कर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, ये देखिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट आपको बनाना है, और इस तरह से बनना जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती आपको, और बिल्कुल भी पानी मैंने नहीं डाला है। और इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। और अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ी सी दाल ये लगी रहेगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं निकाल दूंगी, और मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने सारा अच्छे से निकाल लिया इसका पेस्ट, और नमक हमने पहले ही डाल दिया था, और अब इसमें हम डालेंगे उबला कच्चा आलू जो हमने घिस कर रखा है इस तरह से लच्छेदार, और इसका 2-3 पानी वॉश करने के बाद हम इसमें एक बड़े साइज का आलू डालने हैं, जो मात्रा में बताओ तो 100 ग्राम का होगा, बड़ा आलू था दाज आलू। और इस तरह से हम इसके आलू के लच्छे कद्दूकस करने में डाल दे रहे हैं, और इसे अच्छे से मिला देंगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है दाल चावल का ये नाश्ता, एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बना कर खाएंगे। फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी प्याज और टमाटर को कट करके रखा है, बड़ा बड़ा ही चॉप करना है, फाइन नहीं चॉप करना है। और अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल हो इस समय तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो वेजिटेबल डाली है वो आपको आसानी से किचन में मिल जाती है। और इस तरह से देखिए, ये हमने अच्छे से मिला लिया है, और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। चलते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तक दही। तो फ्रेंड, माइंड मत कीजिएगा, मेरा दही फ्रिज में रख के जम गया है, सॉरी, मैंने फ्रीजर में रख दिया था इसीलिए जम गया है। तो इस तरह से हम इसमें 1 चम्मच तक दही डाल देंगे, और इसे मिला लेंगे, थोड़ी देर बाद दही अच्छे से इसमें मिल जाएगा। अगर आप बिना दही के बनाना चाहते हैं तो बिना दही के भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं, सॉरी, लेकिन दही डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच ही दही हमने ऐड किया है, और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। दही डालने से इसमें एक तरह से
उठने में मदद मिल जाती है, बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडे के बन जाता है। अगर आप दही नहीं ऐड करना चाहते तो आपको थोड़ा सा एक पिंच तक बिल्कुल जरा सा सोडा डालना पड़ेगा, लेकिन मैं सोडा वगैरह नहीं डालूंगी, तो मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और इस तरह से धनिया डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे बढ़िया रखा रंग आएगा। तो आधा चम्मच हल्दी जाएगा, आधा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला, अगर आपके पास ना हो तो ड्राई आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च आधी चम्मच तक, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली थी पाँच, इसलिए हम आधी चम्मच ही डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन दो चुटकी, और ये सब डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। और इस तरीके से हमने मिला लिया है और मिश्रण हमारा रेडी हो चुका है। कोई भी पानी वगैरह नहीं ऐड करना है और इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेना है ताकि मसाले अच्छे से रेडी हो जाए इसके अंदर। और इस तरह से ये कलर आ चुका है, अभी इसका बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। और अब हम इसे बनाएंगे। मिश्रण हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और अब हम जिसमें बनाएंगे वो ले लेंगे। तो इस तरह से एक गोल बर्तन ले लेंगे, आप इसे चाहे तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नीचे ऑयल इस तरह से अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से निकल जाए। तो थोड़ा सा ऑयल लेके हम इसके चारों तरफ इस तरह से ग्रीस कर देंगे अच्छे से। इस तरह से मैं ग्रीस कर दे रही हूँ। और अब अपना तैयार नाश्ते को हम इसके अंदर अच्छे से एक बार मिला लेंगे और इस तरह से इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करके हम इसे अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से, साइड से बिल्कुल समतल कर देंगे। तो इस तरह से ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप अच्छे से इस तरह से चम्मच से समतल कर दीजिएगा इस तरह से, और एक बराबर कर दीजिएगा इस तरह से। और जो बाकी मिश्रण है उसको मैं उसके ऊपर डाल देते हैं। और अब चलते हैं गैस की तरफ और इस नाश्ते को फटाक से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब इसको इस तरह से आपको करना है ताकि जो इसमें एयर हो, जैसे केक के लिए करते हैं वैसे ही हम इसको ऐसे कर देंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए अच्छे से। और अब चलते हैं गैस की तरफ। आ गए हैं गैस की तरफ और हमने एक भगोने पानी को गर्म होने के लिए बहुत पहले से रख दिया था। और अब इसमें हम इस तरह से अपना ये बर्तन रख देंगे अच्छे से, और इस तरह से ये इसके अंदर आ जाता है। और अब इस पर हम लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर हम इसे कम से कम 15 मिनट तक पकड़े देंगे बिना छुए हुए। 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसे भगोने में ही स्टीम कर रही हूँ। 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 15 मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसे खोल कर देखते हैं, ये अच्छे से स्टीम हो गया होगा। तो मैं इस तरह से इसका ढक्कन हटा देती हूँ, और ये देखिए ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। और इस तरह से नाइफ ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे अंदर तक। अगर नाइफ अच्छे से बाहर आ रहा है क्लीन, तो समझ जाइए अच्छे से ये कुक हो चुका है। और अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद कट करेंगे। तो ठंडा होने का वेट करेंगे, गर्म गर्म नहीं कट करना है, बहुत ज़्यादा अभी ये गर्म है, इसे ठंडा होने का वेट करते हैं। तो इस तरह से ये ठंडा हो चुका है हल्का सा, और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इसे इस तरह से कट करूँगी। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, और इस तरह से ये अच्छे से कट हो जाता है। बीच में इसमें टमाटर था तो इसलिए थोड़ा सा ये इस तरह से कट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे, तो निकाल कर आपको दिखाते हैं। आइए फ्रेंड इसका कट हम निकालते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम कट करके इसे आसानी से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से ये देखकर निकल जाता है। और अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह से मैंने ये पहला पीस अपना निकाल लिया है, और मैं अब इसे बर्तन में रख लूँगी इस तरह से। और इसी तरह मैं अपने सारे पीस को रिमूव कर लूँगी, तो बहुत ही आसानी से ये देखिए निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए हमारा दूसरा पीस भी निकल गया। जब ये अच्छे से कुक होगा तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से हम इसके सारे पीस को अलग कर लेंगे, और
निकाल कर अपने बर्तन में रख लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो लास्ट पीस भी हम अलग कर देते हैं इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा इसका पीस रखा है और इस तरह से मैंने सारे पीस इसका निकाल लिए हैं। तो पीस हमारे हो चुके हैं रेडी इस तरह से, देख लीजिए आप लोग। और अब हम इसे बनाएंगे। बहुत ही आसानी से देखिए निकल जाता है और परफेक्ट पीस निकला है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा है। बहुत ही आसानी से ये छोड़ देता है अगर अच्छे से कुक होता है। तो फ्रेंड अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी मसाले हैं और सब्जी का जूस वगैरह सब ऐसे आ जाता है मुँह में, बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैं इसे थोड़ा सा सल्लो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी, सल्लो फ्राई करूँगी और बहुत ही अमेजिंग कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। फ्रेंड एक कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है और मैंने इसमें ज़्यादा तेल नहीं रखा है, बस इसमें मैंने 3 बड़ा चम्मच तेल रखा है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें अपने पीसेस को सल्लो फ्राई करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पीसेस रेडी हुए, कितने अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह से आप फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप इसे सल्लो फ्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। और आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, जो लोग डीप फ्राई नहीं खाना चाहते वो सल्लो फ्राई कर सकते हैं लोग, और जो लोग सल्लो फ्राई भी नहीं करना चाहते वो इसे ऐसे ही खा सकते हैं चाय के साथ। बिल्कुल ढोकले की तरह लगता है और बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा है। और इस तरह से इसमें जो सब्जियाँ पड़ी है वो बहुत ही बढ़िया लगती है। इस तरह से हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, हम इस तरह से इसको इसके अंदर रख देंगे और इसे फ्राई होने देंगे। जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं आ जाता हम इसे टर्न नहीं करेंगे और 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से एक साइड से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से कलर आ चुका होगा दूसरे साइड से। अब इसे हम इस तरह से नाइफ की सहायता से अच्छे से टर्न कर देंगे। तो इस तरह से नाइफ और 1 चम्मच की सहायता से हम इसे टर्न करेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है दूसरे साइड से, और दूसरे साइड से भी हम इसे इस तरह से टर्न कर देंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगता है इस तरह से। और अब इसे हम दूसरे साइड से भी पकने देंगे लगभग 2 मिनट, तो 5 मिनट लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगता है। फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं और दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आ चुका है प्यारा सा। और इस तरह से मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ से कितना बढ़िया कलर आ चुका है और कितना बढ़िया क्रिस्पी ये तैयार हो चुका है। इस तरह से हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे और इसका एक्स्ट्रा तेल इस तरह से बिल्कुल निकाल लेंगे, सॉरी इस तरह से। और अब हम इसे निकाल कर रख लेते हैं अपने बर्तन में। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है ये। और ये हमारा दूसरा वाला भी देखिए रेडी हो चुका है। बच्चे जान नहीं पाएंगे कि आपने इसे दाल चावल से बनाया है, वो समझेंगे ये ब्रेड पकौड़ा है और बहुत ही खुशी से इसे खाने दौड़ेंगे। और इसी तरह अब हम फिर से बना लेंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसे अपना दूसरा बैच भी इस तरह से डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड मैंने ये देखिए इतने सारे ये बना कर रख लिए हैं और ये वाला भी मेरा कम्प्लीट हो चुका है। और इसे मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से अपने प्लेट में। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, इसे भी हम निकाल कर रख लेंगे। और बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं, कुछ भी डर नहीं है फ्राई करने समय कि टूटेंगे या कुछ इसमें कुछ बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देखिए बहुत ही आसानी से मैं फ्राई कर रही हूँ। और इस तरह से हम लास्ट वाला भी अपना निकाल लेंगे। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। सारे मैंने इस तरह से बना लिए, रेडी कर लिया। देखिए कितने अच्छे तरीके से बने हैं और कितने अच्छे तरीके से क्रिस्पी बने हैं। और अब मैं इसे सर्व करूंगी। तो इस तरह से मैं ये प्लेट ले लूंगी और इसमें मैं इसको सजाऊंगी। इस तरह से हम इसको सजा लेंगे और इस तरह से सारे रखते जाएंगे इसके अंदर। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल आपका मन हो रहा होगा इसे खाने का। बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसे मैं इस चटनी के साथ सर्व करूँगी। तो हो गए हैं मेरे ये रेडी, कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी हुए हैं।
तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, पुदीने वाली चटनी के साथ खा सकते हैं, किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड तैयार है हमारा ये दाल चावल से बना अमेजिंग सा नाश्ता, देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। मैं इस तरह से लेकर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जायकेदार और इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हुआ है। और मैंने इसे सलोई फ्राई किया है, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया है, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सबके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और आप अगर इसे खाली भी इंजॉय करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बच्चे को ये दाल चावल का नाश्ता बनाकर खिलाइएगा, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। और इसे ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, पूरे 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इस तरह से अच्छे से। अगर आप डीप फ्राई करेंगे इसे तब, और अगर आप सलो फ्राई कर रहे हैं तब भी ये 1 हफ्ते तक पूरा चल जाएगा। तो इसे मैं एंजॉय करने वाली है चटनी के साथ, आप भी इसे एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर। और इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी ये दाल चावल का नाश्ता लगता है, कोई नहीं गेस कर सकता कि ये दाल चावल का नाश्ता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाय।